नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है विधुभूषण। अर्बन लाइफ के बारे में आपकी जो सवाल है उनके जवाब देंगे। मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव था, मैंने वो आपसे साझा किया था और उस पर काफी प्रतिक्रिया मिली, काफी अच्छी भी प्रतिक्रिया मिली, एक दो प्रतिक्रिया थोड़ी सी नकारात्मक भी मिली हुई है। मैंने लोगों से सवाल किया था कि आप किस मुद्दे पे वीडियो देखना चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं, हम अपनी वीडियो में क्या बताएं। उसमें जो आपने सवाल पूछे थे उनके आज हम आपको जवाब देंगे एक एक करके सारे। सबसे पहले हम सवाल लेते हैं उनके जिन्होंने कहा एक प्रोडक्ट है, किसी ने पोस्ट किया था कि झूठ बोलते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक किसी ने पोस्ट किया था कि ये प्रोडक्ट ही फेक है। मैंने उन लोगों से तुरंत काउंटर सवाल भी किया था कि सर क्या आपने इसको इस्तेमाल किया है, और अगर इस्तेमाल किया है तो आप प्लीज अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर करें ताकि हम उन एक्सपीरियंसेस को आगे और लोगों तक कन्वे कर सकें। लेकिन अफसोस की बात, जिन्होंने भी इसको फेक या झूठा या गलत कहा था उनमें से किसी ने भी अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर नहीं किया। संभवतः उन्होंने शायद कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं किया हो। जो भिन्न भिन्न तरह के प्रोडक्ट यूज करके थक चुके हैं, परेशान हो गए हैं, काफी पैसे खर्च कर चुके हैं, वो जरूर इस तरह के नकारात्मक पोस्ट करते हैं। आप सारे लोग जो नकारात्मक पोस्ट कर रहे हैं, आप लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और आपको फायदा नहीं हुआ तो जरूर आप अपने एक्सपीरियंस को हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा ताकि हम और दर्शकों तक आपका एक्सपीरियंस पहुंचा सकें। वैसे मैं अभी बताऊंगा कि क्या वेट लॉस करना है तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको। लेकिन अभी बात करते हैं और सवालों पे। एक सवाल किसी सज्जन ने हमसे पूछा था कि सर क्या इस प्रोडक्ट से वेट लॉस होता है। जी हाँ, वेट लॉस होता है। लेकिन एक और बात, किसी और ने सवाल किया था या फिर मैं कहूँ कमेंट किया था, मेरे ऊपर कमेंट किया था, या जुलाई की वीडियो पे था, जब जून या जुलाई में मुझे 3 महीने हुए थे उस टाइम, तो मैंने बताया था उस टाइम की मेरे 12 किलो वेट मेरा कम हो गया है इससे। तो उसने कमेंट किया था कि तेरा अब 24 किलो वेट बढ़ भी जाएगा। मैंने उनमें कमेंट किया था कि सर मुझे तो अभी 4-5 महीने हो गए हैं अब, लेकिन अभी तो मेरा वेट वापस नहीं आया है। अगर आप हर्बल लाइफ या किसी भी तरीके से जिम करके, डाइटिंग करके वेट को कम कर देते हैं और उस वेट को कम करने के बाद फिर से वही लापरवाही वाली जीवन शैली जीते हैं, सुबह 10 बजे तक सोना, रात में 12 बजे तक जगना, जो मिले वो खा लेना, तो डेफिनेटली वो वजन, वो वेट वापस आएगा और पहले से भी ज्यादा आएगा। होता यूं है कि हमारे शरीर को अपने शेप की आदत पड़ जाती है। आपका अगर फैटी टमी एरिया, ऐसे निकला हुआ पेट वाला एरिया है ये, तो आपकी बॉडी को पता है कि भाई ये मेरा शरीर ऐसे, ये टमी इनका यहां रहता है। आपने अगर टमी धीरे 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 कम कर ली है तो जैसे ही आप ढील लेंगे अपने शरीर को, आपकी शरीर आपकी टमी को फिर वहीं लेके जाएगा। लेकिन अगर आप अपने शेप को 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक इस शेप में रख लेते हैं तो आपकी बॉडी समझ जाएगी कि अब हमारा शेप यही है। इतने दिनों तक थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वैसे आपको पूरे जीवन में अपने खान पान और रहन सहन का ध्यान रखना होता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि हर्बल लाइफ के इस्तेमाल से, तो सिर्फ हर्बल लाइफ नहीं, किसी भी वेट लॉस प्रोग्राम के इस्तेमाल से, चाहे आप डाइटिंग हो, जिम हो, एक्सरसाइज हो या स्पेशल डाइट फॉलो करते हो, से शॉर्टकट तरीके से वेट कम करते हैं, तो मैं यहां ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वेट कम कर लेंगे वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उस वेट को मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। अगर आपको अपने जवान पे, अपने टेस्ट पे कंट्रोल नहीं है तो आप दोबारा वेट गेन कर लेंगे और फिर बाद में दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, हमको और हर्बल लाइफ को, या अपने जिम कोच को, अपने डाइटिशियन को गाली देते रहेंगे। अगर आप भी वेट कम करना चाहते हैं तो वेट कम कर रहे हैं या कम करना चाहते हैं, शुरू करने से पहले जान लें, हर्बल लाइफ जीवन भर आप नहीं लेते हैं तब भी आपका वेट वापस नहीं आएगा जब तक आप 3-4 कंडीशन पे काम करते रहेंगे। भरपूर पानी पीते रहेंगे, संतुलित आहार लेते रहेंगे, अपने लाइफ स्टाइल को एक्टिव मोड में रखेंगे, यानी आपका एक्सरसाइज करना, टहलना और दिन भर एक्टिव रखोगे काम करना, आपका वेट कभी भी वापस नहीं आएगा। एक सवाल है कि अगर मैंने ये मेडिसिन अभी 5 दिन पहले ली है और इसके साथ क्या क्या नहीं खाना है, तो भाई सबसे पहले तो ये मेडिसिन नहीं है। हर्बल लाइफ अगर कोई मेडिसिन होती, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को आपकी नहीं मिलती और केवल मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होती। ये खाना है, सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशन है।
इसके साथ आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये डिपेंड करता है इस बात पे आपका गोल क्या है। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आपको चीनी से परहेज करना है, मीठी चीज और तली हुई चीजों से परहेज करना है और अपने खाने में प्रॉपर गैप रखना है। तो आपके हर्बल लाइफ कोच ने एसोसिएट्स ने वो बताया है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिएगा। आप खुद भी जानते हैं कि क्या चीजें गलत हैं क्या चीज अच्छी है। तो जूस पीते हैं अगर फल का तो फल का जूस न पी क्या फल को सीधा खाएं जिससे आपको फाइबर मिले। आपको खाते समय बस ध्यान रखना है कि थोड़ा सा खाने में प्रोटीन फाइबर वगैरह हो और मिठाई वगैरह को अवॉइड करें। डाइट प्लान की बात पूछा है कि दो तरह के डाइट प्लान है, चूंकि एक डाइट प्लान यह है कि आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और सुबह मॉर्निंग में उठते ही लगभग एक लीटर पानी आप खाली पेट ही पी लीजिए। एक लीटर पानी ठंडा गर्म जैसे भी आप नॉर्मल पी सकते हैं पी लीजिए। एक लीटर पानी पीने के बाद आप फ्रेश होने जाइए, फ्रेश होकर आने के बाद अपना एक 250 ml वाटर में 2 चम्मच फ्रेश डाल के अपना फ्रेश पी लीजिए। अब फ्रेश पीने के बाद आप वॉक पे निकलना चाहते हैं वॉक पे निकल जाए, एक्सरसाइज घर पे करना चाहते हैं घर पे कर लें। फिर टाइम नहीं अगर आपको ऑफिस निकलना है तो फिर आप सुबह से उठने के 1.5 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर आप अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट शेक ले लीजिए। ब्रेकफास्ट शेक में क्या है कि फार्मूला 1 शेक 3 चम्मच और 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर 250 ml दूध में मिला करके आपको पी लेना है। आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले तो साथ में आप सेरुलॉस टेबलेट, मल्टीविटामिन टेबलेट्स और हर्बल लाइफ लाइन टेबलेट का भी इस्तेमाल करें, आपका रिजल्ट ज्यादा बेहतर आएगा। सेलुलास, फ्रेश, हर्बल लाइफ इन सब के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे रिलेटेड वीडियो है हमारे कुछ आई बटन में आएंगे, कुछ इन स्क्रीन पे आएंगे और बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन में भी पड़ी हुई है। आप चाहें तो वहां जाकर के शेक कैसे बनाते हैं शेक का वीडियो, पर्सनलाइज प्रोटीन का वीडियो, सेलुलॉस का वीडियो, एलओ प्लस का वीडियो और हर्बल लाइफ लाइन ओमेगा 3 फैटी एसिड का वीडियो भी आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वेट आपका और तेजी से कम हो तो आप चिया सीड भी आप चाहें तो उस शेक में मिला के पी सकते हैं। और अगेन अगर आप चिया सीड के बारे में भी नहीं जानते हैं तो मेरी एक वीडियो चिया सीड की भी है, वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप चिया सीड की वीडियो भी उसको देख लीजिएगा। इस तरह से आपका लगभग मान लीजिए आपने अगर 8 बजे के आसपास अपना अगर मॉर्निंग शेक लिया है तो आपको लगभग 5 घंटे के बाद ही लंच लेना है। तो 8, 5, 13 मतलब 1 बजे आपको लंच लेना है। अगर 1 बजे के बीच में लंच लेने के बीच में आपको भूख लगती है तो आप बीच में आधा सेब खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी या फिर आप एक अफ्रेश भी पी सकते हैं। लंच में आप देखिए लंच में आप रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दही, छाछ, रायता, सलाद सब कुछ खा सकते हैं। कभी कभार आप चाहे तो पराठे भी खा सकते हैं, बस पराठे देसी घी के हों। एक्चुअली होता क्या है कि वेट कम करना शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि हम फैट न खाएं, हाँ जबकि हमारे शरीर को फैट की जरूरत होती है। जब हम फैट छोड़ के वेट लॉस करते हैं तो आप चेहरे पे सूखा रूखा बना जाता है। फैट में आपको देसी घी लेना है, बटर लेना है, अगर देसी घी बटर अच्छा फैट है आप इसे ले सकते हैं। हमें परहेज करना उस फैट से जो ट्रांस फैट होता है, जो मतलब फ्राई वाला फैट होता है जिसमें से नमकीन हो गया, पूड़िया हो गई, इन सब चीजों से आपको बचना है। अब मान लो आपने 1 बजे लंच कर लिया, उसके बाद आपको 7 बजे तक आपको डिनर लेना है, डिनर के बीच में वो 6 घंटे का अंतर है। 6 घंटे के अंतर के बीच में अगर आपको भूख लगती है शाम को इवनिंग में आपको लगभग 4 से 5 बजे के बीच में कुछ लेना है आपको तो गर्म खाने आप ले सकते हो, भून करके स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप सलाद ले सकते हैं, कोई फल ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं और शाम को डिनर में आपको आप चाहें तो दलिया भी ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। लेकिन आप ज्यादा वेट कम करना चाहते हैं तो आप इवनिंग में भी हर्बल लाइफ का शेक लें, 1 चम्मच फार्मूला 1 शेक और 1 चम्मच पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। और अगर चाहते हैं तेजी से वेट कम करना तो यहाँ पे भी शान के शेक के साथ आप फाइबर कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स हर्बल लाइफ का एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में मेरी एक वीडियो है फाइबर की, वो आप देख लीजिएगा। उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका वेट तेजी से कम होता है। और बताते हैं आपको दूसरा डाइट प्लान है SMS कि शेक मील एंड शेक। दिन में केवल आपको 3 प्रकार का ही मील लेना है, फिर कुछ नहीं लेना है। ये हर्बल लाइफ में नया तजुर्बा है और काफी सक्सेसफुल हुआ है फैट लॉस और इंच लॉस में। अगर आप कमर के आसपास से इंच लॉस करना चाहते हैं, टमी कम करना चाहते हैं तो SMS प्लान में करना क्या होता है, सुबह शेक, दोपहर में मील, फिर शाम को शेक, बीच में कुछ भी नहीं, बीच में मुंह नहीं खोलना। आपको सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पिया,
फ्रेश हुए, फ्रेश होकर आप फ्रेश पिया, अब फ्रेश पीने के बाद एक शेक बनाइए। 3 चम्मच शेक और 1 चम्मच प्रोटीन से आपका पेट नहीं भरता, दिन में भूख लग जाती है अगर जल्दी, तो आप 3 चम्मच फार्मूला 1 शेक और 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको भूख लग जाती है तो आप 4 चम्मच फार्मूला 1 शेक और 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर भी कर सकते हैं। फिर आपको 8 बजे से आपने शेक ले लिया तो आप 5 से 6 घंटे के बाद आपको खाना खाना है दोपहर का। 1 से 2 बजे बीच में आप भरपूर खाना खाइए, बीच में आपको कुछ नहीं लेना, भूख लगती है केवल पानी पीना है या ग्रीन टी पीना है बिना चीनी वाला, या फ्रेश ड्रिंक पीना है। 2 बजे बीच आपने खाया, लगभग 6 घंटे बाद 7 बजे के आसपास आपको फिर एक शेक पीना है आपको। यहाँ अगर आप जो इवनिंग में हो, जो मॉर्निंग में शेक लेते हैं, उसके साथ अगर आप चिया सीड के 1 चम्मच एड कर देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और अगर एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये और अच्छा हो जाएगा। बीच में अगर आपको भूख फिर भी सताती है तो आपको साथ में एक मल्टीविटामिन, जो हर्बल लाइफ का मल्टीविटामिन है, उसकी गोलियां लेनी है, क्योंकि बीच में जो अनावश्यक भूख लगती है उसका कारण क्या होता है, शरीर में पोषण की कमी, तो उसको वो पूरा करता है। तो आपको एक गोली 3 बार मल्टीविटामिन भी लेनी है। आपको फॉलो करें, आपको जरूर फायदा होगा। बाकी आप अपने नजदीकी कोच से संपर्क करें, वो आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। एक सवाल लोगों का है कि लास्ट टैबलेट के बारे में, खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, तो इस संदर्भ में मैंने वीडियो बनाई थी कि खाने के बाद ले सकते हैं। कुछ लोगों की कोच ने बताया कि नहीं, खाने से पहले ले सकते हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये खाना है, कोई ऐसा दवा नहीं है। अब खाने के बाद पहले कैसे लेना है, आप कोच जो बताते हैं उसे कर सकते हैं। वैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले लो चाहे बाद में लो। और एक बात, सेलुलोज टैबलेट्स केवल लेने से ही आपका वेट कम नहीं हो जाएगा, साथ में उसको आपके शेक वगैरह भी लेना पड़ेगा, बात आप नोट रखें। दूसरा सवाल और बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा जो है वो है आईडी बनवाने पर, प्रेफर्ड कस्टमर आईडी कैसे बनेगी। ताकि आप प्रेफर्ड कस्टमर आईडी बनवाने के लिए अपने नजदीकी कोच से संपर्क करिए, वो आपकी अपनी आईडी बनवा देंगे। कमेंट करते हो मेरे कमेंट बॉक्स में, तो मेरे कमेंट बॉक्स को कोच भी पढ़ते हैं, वो आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और कई कोचेस ने नंबर भी दे रखे हैं मेरे कमेंट्स में पिछले वीडियोज की, हो सकता है इस वीडियो में डालें, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लो। तो आज तक के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।